वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। 509 रुपए पे आज स्टॉक की क्लोजिंग हुई है और 5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्या इससे हमें एग्जिट करना चाहिए, यानी अगर हमने पहले से बाय करके रखा है और अगर इसमें गिरावट होती है यहाँ से तो कितनी होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को वन बाय वन करके यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप लोग बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस वो कैसा है। तो सबसे पहले मार्केट कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप की कंपनी है, 4100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और वैल्यूएशन स्टॉक का देखेंगे तो काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या का विषय है कि वैल्यूएशन इस स्टॉक का बहुत ज्यादा हाई है। ROCROE देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा ROCROE नहीं है, 15% के एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। डिविडेंड एक दो बार कंपनी ने अनाउंस किया, इस वजह से 0.08% देखने को आपको मिल रहा है। 97 का बुक वैल्यू और 509 इसका जो करंट प्राइस है, यानी कह सकते हैं 5 times ये बुक वैल्यू की तुलना में करंट प्राइस चल रहा है। 941 का हाई है साल भर में, 506 का लो है और यहाँ पर जो लो है वो आज ही के दिन फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। बाकी डेप्थ देखेंगे तो पहले कितना था, 24 करोड़ के आसपास, बट अभी देखेंगे तो 83 करोड़ का डेप्थ है। और यहाँ पे अगर कंपनी का आप काम देखेंगे तो कंपनी प्राइमरली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बसेस और जिनका हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कैसा है। तो अगर आप देखेंगे सेल्स, तो सेल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हैं सेल्स बढ़ी है और बीच बीच में कह सकते हैं कि यहाँ पे और भी अच्छी सेल्स आई थी, बट जो क्वार्टर टू में सेल्स आई थी उतनी भी अच्छी नहीं थी जो कि पिछले क्वार्टर में थी। लेकिन प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे लॉस था, यहाँ अगले क्वार्टर में लॉस था, लेकिन यहाँ पे आपको पिछले 3 क्वार्टर में लगातार आपको प्रॉफिट वाले रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर क्वार्टर पे कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। साल दर साल देखेंगे तो यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो सेल्स है वो भी बढ़ी है, साल दर साल बढ़ी है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा है, 3 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, फिर 5 6 8, फिर 16 का लॉस, फिर 14 का प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट, फिर 35 में। इसलिए अगर हम बात करें 2022 में तो कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है, क्योंकि सेल्स भी कंपनी की आई है, प्रॉफिट भी यहाँ पर जो कह सकते हैं नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे काफी बढ़ रहा है साल दर साल, और 2022 में बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ा है। बाकी आप देखेंगे सीएस तो यहाँ पे 5 साल में 41% सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट 34% बढ़ा है, सीएजीआर 22% के आसपास बढ़ा है। बाकी अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो प्रमोटर का स्टेक है इसमें 50% के आसपास है, 10% का जो स्टेक है एफआई का है और 0.04 है डीआई का, और बाकी बचा हुआ स्टेक आपको पब्लिक का देखने को मिल रहा है। मैं एक चीज आपको कहूंगा कि प्रमोटर का स्टेक देखिए इसमें 10% के आसपास कम हुआ है। अगर आप दिसंबर से देखेंगे तो 10% के आसपास आपको रिड्यूस देखने मिला है प्रमोटर की होल्डिंग। एफआई की होल्डिंग कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो बढ़ी है, डीआई की होल्डिंग कम हुई, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है। तो ऑल ओवर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत का विषय ये है कि जो वैल्यूएशन है इस स्टॉक का काफी हाई है, क्योंकि ROCROE उतना भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी ने 2022 में परफॉर्म किया है, ROCROE आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से स्टॉक चल रहा है, मैं बताऊँ यहाँ पे क्या हुआ है। अभी अभी मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉक था ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पे स्टॉक था तो कितने रुपए के आसपास था, 200 रुपए के आसपास था, 180 रुपए के आसपास था। उस टाइम देखिए किसी ने ज्यादा बाय करने के लिए नहीं सोचा। उसके बाद इसी टाइम में एक्यूमुलेशन चल रहा था, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे थे स्टॉक को। उसके बाद उन्होंने बाय करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ तक स्टॉक को ले गए। यहाँ पे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, उन्होंने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे बाय की थी वो सब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सप्लाई कर दिया, मार्केट को दे दिया, मार्केट बोले तो रिटेलर्स को दे दिया। अब उसके बाद जब रिटेलर्स को मिल गया और स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा तो रिटेलर्स भी एक टाइम के बाद एग्जिट करने लगे, उसके बाद स्टॉक नीचे आने लगा। अब देखिए नीचे आने लगा और फिर लगातार एक चैनल में ये स्टॉक जो है वो फंसा हुआ था। अब देखिए क्या हुआ है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है 2022 में, उसके पहले नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को पता था कि हाँ 2022 में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, नंबर्स अच्छे आएंगे, इसीलिए उन्होंने यहीं पे बाय करके यहाँ पे सेल कर दिया, पहले ही उन्होंने फायदा उठा लिया। उसके बाद जब नतीजे काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो वो अभी यहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ करके निकल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने सेल अप किया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह से इस लेवल का ब्रेकआउट देखने मिला है, अगर मैं इस लेवल का ड्रॉ करूँ तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कुछ ये एक लेवल बन रहा है,
552 के आसपास। तो 552 का लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है, यानी स्टॉक जो है वो बेयरिश साइन दे रहा है। यहाँ पे इट माइट बी हैपन कि यहाँ से जो स्टॉक है ये ऐसे थोड़ा सा नीचे जाए या फिर इसको टच करके नीचे जाए, बट नीचे जाने की जो चांसेस है इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो अभी कह सकते हैं एक अच्छे खासे चैनल को ब्रेक कर चुका है। जो ये सपोर्ट लाइन थी, जो ये डिमांड एरिया था, वो ब्रेक हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक में और सेलिंग हो सकती है। तो जो लोग भी स्टॉक को बाय करके रखे हुए हैं, एक बार जरूर अपने एनालिसिस करिएगा। अगर आपको लगता है सच में स्टॉक और सेलिंग दिखा सकता है, तो डेफिनेटली आप स्टॉक को सेल करके चल सकते हैं, यानी कि अपना पोर्टफोलियो से स्टॉक को निकाल सकते हैं। बाकी जब ये स्टॉक जो है और नीचे के स्तर पे आता है, ऑलमोस्ट जब ये स्टॉक जो 400 के आसपास आएगा, 300 के 327 के आसपास आएगा, तब जरूर आप इसको बाय करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टॉक है वो हाई प्राइस पे अभी चल रहा है, अकॉर्डिंग टू अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक को बाय सेल करने से पहले एनालिसिस जरूर करिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये रिस्पॉन्स देने के लिए आप वीडियो को चाहे तो लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए। और ये भी बताइए कमेंट करके कि आपको और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए।